हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर को क्लीन रखने की हैबिट्स के बारे में। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना सुनने में एक टाइम कंज्यूमिंग और अनरियलिस्टिक सा टास्क लगता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ़ यू डिवेलप अ क्लीनिंग रूटीन एंड पिक अप अ फ्यू क्लीनिंग हैबिट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि घर को हमेशा साफ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करती हैं बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए और बिना ज़्यादा मेहनत किए। फाइंड अ बैलेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड यूनिटास्किंग। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं मल्टीटास्किंग के बारे में और हमें ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग इज़ द राइट वे टू क्विकली फिनिश द जॉब। हाउएवर, इट्स नॉट ट्रू। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिन्हें हम मल्टीटास्किंग के थ्रू क्विकली और एफिशिएंटली फिनिश कर सकते हैं, जैसे कुकिंग करते टाइम जब तक मील प्रिपेयर हो रहा है आप क्विकली डिशेस वॉश कर सकते हैं, या डिशवॉशर को लोड या अनलोड कर सकते हैं, या किचन काउंटर्स को क्लीन कर सकते हैं, या अपनी सब्जियां वगैरह काट के रख सकते हैं। वाइल यू कैन स्टिल कीप एन आई ऑन मील दैट्स बीन कुकिंग ऑन द कुक टॉप। ऑन दी अदर हैंड, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कुकिंग करते टाइम लैपटॉप पे कोई इम्पॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं तो आप दोनों कामों में प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। या तो आप जो इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं उसमें से कुछ गड़बड़ हो सकती है, या आप जो मील कुक कर रहे हैं वो अच्छे से कुक नहीं होगा। सो इट्स बेस्ट टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन टास्क दैट नीड प्रॉपर अटेंशन एंड शुडंट बी डन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। कीप सम डेकोरेशंस एट द बिजी स्पॉट्स। सबके घर में कुछ ऐसे बिजी स्पॉट्स होते हैं विच अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द जंक्स। जैसे मेरे लिविंग रूम में कॉफ़ी टेबल के अलावा ये साइड टेबल भी बहुत ज़्यादा जंक अट्रैक्ट करती है। हमारे घरों में जितने भी इस टाइप के स्पॉट्स होते हैं वो सभी इसी तरह बिजी हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो एम्प्टी पड़े हुए हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू फिल दीज एम्प्टी स्पॉट्स विद सम काइंड ऑफ डेकोरेशंस, जैसे कि कोई फ्लावर अरेंजमेंट वहाँ पर प्लेस कर दें या कोई और डेकोरेशन। फॉर इंस्टेंस, मैंने इस साइड टेबल के ऊपर ये बड़ा सा लॉर्ड गणेशा का आइडल प्लेस किया है, इससे अब ये स्पॉट देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगता है और जंक भी अट्रैक्ट नहीं करता। ऑर्गेनाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। घर को क्लीन रखने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द हैबिट्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। फैमिली मेम्बर्स की कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई वी शुड रिस्पेक्ट दोज हैबिट्स एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू ऑर्गेनाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दोज हैबिट्स। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड अपनी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखते, उनका वॉलेट, कीज़, डॉक्यूमेंट्स, क्लोथ्स और पॉकेट में पड़ी हुई चेंज वगैरह सब इधर उधर पड़ी रहती हैं। इसीलिए मैंने उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एंट्री डोर के पास ये की रिंग होल्डर हैंग किया है, जहाँ वो क्विकली अपनी कीज़ को हैंग कर सकते हैं, और इस टॉल बॉय का एक ड्रॉर उनके वॉलेट, डॉक्यूमेंट्स या बाकी सभी पॉकेट में पड़ी हुई चीज़ों को रखने के लिए रखा है। आई हैव ऑल्सो कैप्ट दिस पिगी बैंक फॉर द चेंज दैट माई हस्बैंड यूजुअली लीव्स अराउंड द हाउस। वो अपने कपड़े भी अपनी जगह पर नहीं रखते, इसीलिए मैंने ये ओवर द डोर हुक्स हैंग की हैं इस डोर पर, और इसकी हेल्प से इट्स रियली ईजी टू ऑर्गेनाइज द डेली वेयर क्लोथ्स। 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा, एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेल इन कीपिंग अ हाउस क्लीन। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में आपको सिर्फ 5 मिनट या उससे कम लगेंगे, देन इट विल बी बेस्ट टू डू इट स्ट्रेट अवे। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि घर के बहुत सारे काम, जैसे कि किसी ड्रॉअर को रीऑर्गेनाइज करना या किसी पर्टिकुलर स्पॉट को क्लीन करना, ये सारे काम जो हम अदरवाइज बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं, अब ये काम साथ साथ फिनिश हो जाएंगे और सडनली आप देखेंगे कि आपका घर मोस्टली क्लीन रहेगा और वीकेंड्स में क्लीनिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज रिसीप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टवर्क्स प्रॉपरली। घर में बहुत सारा जंक डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स वगैरह की वजह से भी क्रिएट होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ किया जाए। आप बच्चों के आर्टवर्क की बस फ़ोटो खींचकर डिजिटल कॉपी रख सकते हैं, या उन्हें स्ट्रेट अवे फ्रेम करके डिस्प्ले कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स के लिए एक जंक ड्रॉअर क्रिएट करके रखें और जब भी आपको टाइम मिले इसे सॉर्ट करते रहें। आप रिसीप्ट्स के लिए कोई भी अच्छी रिसीप्ट्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप अपनी इंपॉर्टेंट रिसीप्ट्स को डिजिटली सेव कर सकते हैं और जब भी आपको वो रिसीप्ट चाहिए इट विल बी ईजी टू फाइंड इट ऑन दी ऐप रादर देन कीपिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ इट। Put things away every time you walk somewhere. जब भी आप अपने घर में इधर उधर जा रहे होते हैं just quickly scan around the room जैसे कि कॉफ़ी टेबल पर पड़े हुए जूठे बर्तन या इधर उधर पड़े हुए शूज़ या डर्टी क्लोथ्स वगैरह को उठाकर right spot पर रख दें। इससे इन सभी चीज़ों को क्लीन करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। Clean from top to bottom. क्लीनिंग करते टाइम ये ध्यान रखें कि हमेशा ऊपर से क्लीनिंग करना शुरू करें, जैसे सबसे पहले रूफ़ साफ़ करें, फिर डस्टिंग करें, फिर स्कर्टिंग बोर्ड्स को क्लीन करें और एंड में फ्लोर क्लीन करें, क्योंकि अगर आप फ्लोर क्लीन करने के बाद रूफ़ को क्लीन करेंगे तो फ्लोर फिर से गंदा हो जाएगा। इसी तरह किचन में भी बैक स्प्लैश पहले क्लीन करें, उसके बाद कुकटॉप एंड काउंटरटॉप और लास्ट में फ्लोर। हैंग हुक्स एट योर चाइल्ड्स लेवल। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी कुछ हुक्स लगाएं, जिससे बच्चे भी अपने कपड़े इजीली हैंग कर सकें और घर को साफ रखने में आपकी हेल्प कर सकें। फिनिश योर चोर्स वाइल टॉकिंग ओवर फोन और वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। आपको अगर किसी से फ़ोन पे लंबी बात करनी है तो आप हेडफोन्स लगाकर फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख लें। अगर पॉकेट नहीं है तो आप एप्रन भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली एप्रन्स में पॉकेट्स लगी होती हैं, इसीलिए आप एप्रन डालकर उसकी पॉकेट में फ़ोन को रख सकते हैं। एंड देन कीप डूइंग योर चोर्स वाइल टॉकिंग ओवर फोन एंड यू विल रियलाइज दैट यू हैव प्रोडक्टिवली फिनिश्ड एवरीथिंग इन नो टाइम एंड विदाउट गेटिंग बोर्ड। इसी तरह आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए भी अपने काम को इंजॉय कर सकते हैं। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, इसलिए घर को हमेशा क्लीन रखने के लिए क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सभी फैमिली मेम्बर्स को डेलीगेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर ट्राई टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। जैसे माई ओल्डर वन लव्स वैक्यूमिंग द फ्लोर्स एंड माई लिटल वन लव्स क्लीनिंग द विंडोज़। दैट्स वाई आई हैव डेलीगेटेड दीज टास्क टू बोथ ऑफ देम। Invest in good cleaning products. घर को हमेशा साफ रखने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन गुड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अच्छी प्रोडक्ट्स की हेल्प से आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और आपका काम ईजिली कम मेहनत में कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। गुड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। घर को हमेशा क्लीन रखने की और हैबिट्स के लिए आप मेरे चैनल पर मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग।